नमस्कार दोस्तों, शॉटगन की नई वीडियो में आपका स्वागत है। और आज आपको हम हिमाचल में बनी विस्को की सिंगल बैरल कुछ शॉटगन दिखाएंगे। ये है दोस्तों हिमाचल प्रदेश के मंडी जिला में बनी विस्को की सिंगल बैरल शॉटगन्स। यहाँ आप चार सिंगल बैरल शॉटगन देख रहे हैं, जिनमें से एक 30 इंच है, एक 32 इंच और दो 36 इंच बैरल लेंथ में। ये एक लाइसेंस रिक्वायर्ड वेपन है और गन लाइसेंस बनवाने के बाद ही इन्हें ख़रीदा जा सकता है और इनकी कीमत 25,000 से लेकर 35-40,000 तक हो सकती है। ये एक एजुकेशनल वीडियो है और हम किसी भी प्रकार के गन कल्चर को सपोर्ट नहीं करते हैं। विस्को की चार सिंगल बैरल शॉटगन है। एक ये इसमें फोल्डिंग है, ये पूरी तरह फोल्ड हो जाती है। ये 36 इंच बैरल लेंथ में फोल्डिंग है। ये एक और, ये भी 36 इंच है। इसमें ये 32 इंच है, एक ये 30 इंच में। इसके बाद इसकी ओवरऑल लेंथ देखते हैं, पूरी गन कितनी लंबी है। ये 52 इंच है। जैसे जो 36 इंच बैरल लेंथ में है, ये दोनों 52 इंच हैं। जो 32 इंच में है, ये 4 फुट के लगभग है, 47 इंच मानिए इसको आप। और ये जो 30 इंच बैरल लेंथ में है, ये 46 इंच है ओवरऑल लेंथ इसकी। सभी का वजन देखते हैं। सबसे पहले जो फोल्डिंग है, थोड़ी लाइट वेट है, हालांकि ये 36 इंच में है। इसका वजन देख लेते हैं, 2 किलो 620 ग्राम। 36 इंच के हिसाब से काफी कम वजन है। इसका स्टॉक को कम किया गया है यहाँ से, बहुत ही स्लीक स्टॉक है इसका। अब ये दूसरी देखते हैं, ये जो कि ये थोड़ी भारी है उससे। ये पूरी फोल्डिंग नहीं है, 3 किलो से ऊपर है इसका वजन, 3 किलो 240 ग्राम। तो इन दोनों गन्स में अगर हम देखें तो सबसे पहली बात तो वजन का फर्क है। फोल्डिंग, एक फोल्डिंग है, एक फोल्डिंग नहीं है। बैरल लेंथ इक्वल है दोनों की। इनकी चोक देख लेते हैं, थोड़ा सा चोक का जजमेंट कर लेते हैं इसकी। ये मैंने गेज डाला, वर्नियर कैलिपर नहीं है मेरे पास अभी, लेकिन ये चोक बैरल है ये, तो इसको मैं हाफ चोक कहूंगा। और ऐसे इसको देखते हैं, ये भी सेम इक्वल चोक से दोनों, ये चोक रहेगी उतना इसका स्प्रेड थोड़ा कम हो जाएगा डिस्टेंस के साथ। तो अलग अलग चोक्स का अलग अलग हिसाब होता है कि इसके जो छर्रे हैं उसका फैलाव कितना रहेगा। तो अगर चोक ज़्यादा होगी तो फैलाव थोड़ा कम रहेगा, अगर चोक कम होगी तो फैलाव ज़्यादा होगा। दोनों के अपने अपने फायदे हैं और अपने अपने नुकसान हैं। देखते हैं जो 32 इंच बैरल लेंथ में है, ये भी 3 किलो से ऊपर लग रही है मुझे। ये तीन किलो 70 ग्राम। और इसकी भी चोक देख लेते हैं जरा, ये सिलेंडर है तो इसका फैलाव निश्चित तौर पर ज्यादा रहेगा। इसमें ये गेज पूरा जा रहा है। ये दो 36 इंच बैरल लेंथ में थी, इससे इसकी रेंज ज्यादा रहेगी। इन क्योंकि बैरल लंबी है तो इसकी रेंज निश्चित तौर पर ज्यादा रहेगी। और अब एक और ये फोल्डिंग जो कि हमारे पास 30 इंच बैरल लेंथ में है, वैसे इसका वेट कम लग रहा है, 2.5 किलो के आसपास वजन हो इसका। यस, 2 किलो 358 ग्राम। अब इसकी भी चोक देख लेते हैं, ये भी सिलेंडर बोर है। तो अगर हम देखें तो इसका फैलाव निश्चित तौर पर सबसे ज्यादा रहेगा। एक तो ये 30 इंच बैरल लेंथ में है, जब इससे हम फायर करेंगे तो जो पैलेट का फैलाव रहेगा इन सब में सबसे ज्यादा रहेगा। दूसरा है सिलेंडर बैरल में है। तो गन लेते समय अपनी जरूरत के हिसाब से गन लें कि आपको कितनी वजन की गन चाहिए, आपको कितनी बैरल लेंथ होनी चाहिए गन की। कोई भी गन लेते समय सबसे पहले तो ये देखें कि आपका आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, आपको कितनी बैरल लेंथ चाहिए। अगर आपको होम डिफेंस के लिए चाहिए तो घर के अंदर गन यूज करनी है, बड़े छोटे से एरिया में तो जितनी लंबी गन होगी इसको घुमाना मुझे मुश्किल रहेगा, इसको घुमाने के लिए उतनी ही ज़्यादा जगह चाहिए। और जितनी शॉर्ट बैरल होगी उसके घूम से घुमाना बहुत ही आसान रहता है, हालांकि उससे रेंज कम रहेगी थोड़ी,
बैरल की लेंथ से थोड़ा रेंज में फर्क पड़ता है, लेकिन शॉर्ट बैरल के अपने फायदे होते हैं। अगर आपने दूर तक फायर करना है, थोड़े ज्यादा डिस्टेंस तक क्रॉप प्रोटेक्शन के लिए या किसी खुली जगह में, तो वहां पर आपको लंबी बैरल की आवश्यकता रहेगी। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। हिमाचल के मंडी जिला में विस्को कंपनी द्वारा बनाई गई सिंगल बैरल शॉटगन पर। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आपके लिए हम वीडियोस बनाते रहेंगे।